मैं निवेदन करूंगा मुनेश जी गुजर जो हमारे बीच में पधारी है जयपुर से, आप आए अपना उद्बोधन दो सब कहें। बोलिए कालस महाराज की जय। सबसे पहले सर्वप्रथम आप सब लोगों को सिर झुकाकर चरण स्पर्श। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, महापौर समझकर नहीं अपनी बेटी समझकर, बांसुर की बेटी हूँ, आप लोगों के बीच में आई हूँ। आप लोगों ने बड़े ही मान से मुझे बुलाया। मुझे याद है जब मैं महापौर बनी थी जयपुर में तो पूरे बांसुर में एक आवाज़ आई थी कि हमारी बेटी आज पूरे जयपुर में अपना नाम, हमारा नाम रोशन करके आई है। मंच पर विराजमान श्री राम स्वरूप कसाना जी, श्री भौरेलाल बागड़ी जी, महंत हरिदास जी महाराज, अरुण भारती जी महाराज, हरिनाथ जी महाराज, मुखिया गुजर जी, जगदीश जी कसाना, सावंत राम गुजर, रति राम जी, माता दीन भाटी, मूलचंद जी, भैरू राम जी, राम फल चेयरमैन जी, मुकेश चंदेला एडवोकेट, महिपाल चंदेला सूबेदार, जय सिंह रावत, करण सिंह सरपंच बबेड़ी, रोहिताश्व सरपंच बाबेरिया, सत्यवीर यादव। सम्मानित मंच, आज कालसदेव महाराज के इस स्थान पर हम सब लोग विराजमान हैं और हम सब जिस तादाद में इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोगों से एक बेटी होने के नाते इतना ही कहूँगी कि किसी भी समाज की, किसी भी वर्ग का जब तक प्रगति नहीं हो सकती, जब तक वो शिक्षा के क्षेत्र में एकता से और शिक्षा से ही किसी भी समाज और किसी भी परिवार का उद्धार हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों से एक बेटी होने के नाते कहूँगी कि हमारे सब परिवार की बेटी बच्चे पढ़े, पूरे बांसुर से एक आवाज़ आए कि पूरे राजस्थान में एक बांसुर एक गांव है जहां के बच्चे बच्ची सबसे ज़्यादा पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में जाते हैं। ऐसा मैं चाहती हूँ और आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपनी बच्चियों को, बच्चों को तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, बच्चियों को भी पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज भेजें, क्योंकि बिना शिक्षा के कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हमारे नेता राजेश जी पायलट थे जिन्होंने मजदूर किसान के लिए इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है। आज जो हम इस खुले आयाम से किसान मजदूर घूम रहे हैं, ये राजेश जी पायलट जी की देन है। मैं उन्हें नमन करती हूँ। लेकिन उनकी एक बात मुझे याद है जो मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा था जब तक किसान का, मजदूर का बेटा बेटी उस कुर्सी पे नहीं बैठेगा जहाँ पर बैठकर नीतियाँ बनती हैं, जब तक इस देश का विकास बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आप सब लोगों से उसी बात के लिए कहना चाहती हूँ, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर क्षेत्र में जाएंगे, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा परिवार, उसकी प्रगति शिक्षा और एकता से होती है। जिस परिवार में एकता और शिक्षा होती है उसका विकास आगे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से गाँव का विकास, इसी तरीके से समाज का और पूरे भारत का विकास सिर्फ शिक्षा और एकता पर टिका हुआ है। आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ, बेटी होने के नाते, इस गांव की बेटी हूँ और आप लोगों को जहाँ भी इस बेटी की ज़रूरत होगी, पूरे बांसुर में 36 कौमों को जहाँ इस बेटी की आवश्यकता होगी, ये बेटी आपकी आवाज़ बनके जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में आपकी आवाज़ को मजबूत करेगी, आपके लिए काम करेगी, आपके लिए संघर्ष करेगी। मेरे लायक जो भी काम हो आप मुझे बताएं, और मैं कोई महापौर की हैसियत से नहीं, आपकी बेटी बनकर आई हूँ, बांसुर की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ और एक जवान की बहू हूँ। मुझे पता है किसान और जवान कितने संघर्ष से आगे बढ़ता है। मैंने वो जिंदगी जी है किसान के घर में बेटी बनकर और जवान के घर में बहू बनकर। तो मैं आप सब लोगों को यही कहूँगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन हर जवान बच्चे बच्ची को ये कहना चाहूँगी, उससे डरना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमें जहां पहुंचना है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जिंदगी में सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हम सब लोगों को आगे बढ़कर हमारे लक्ष्य एक होने चाहिए, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करके, इतनी दूर हमारा स्कूल हो, इतनी दूर हमारा कॉलेज हो, हम उस सब से निकल कर जाएं, मेहनत करें, देखना एक दिन वो मेहनत रंग लाएगी और आप देखेंगे बांसुर के बच्चे बच्ची हर क्षेत्र में, हर पद पर विराजमान मिलेंगे। जैसे
दौसा एक अपने आप में आयाम स्थापित कर चुका है कि उसके बच्चे बच्ची हर क्षेत्र में जा चुके हैं। ऐसे मैं चाहती हूँ कि बांसुर का बच्चा बच्ची हर क्षेत्र में विराजमान हो, हर घर परिवार से बच्चे बच्ची निकलकर किसी पद पर बैठे, तो मुझे इतना गर्व होगा कि मैं बांसुर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं इस समाज की बेटी हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, बांसुर की बेटी हूँ, मैंने वो जीवन जिया है ग्रामीण परिवेश का, यहाँ पर पली बड़ी हुई, और जब राजस्थान में मैंने वो संघर्ष अपना हासिल किया तो आज मैं इस पद पर विराजमान हूँ। ये सब आप लोगों की दुआओं के, कालसदेव महाराज के आशीर्वाद से है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आभारी। और अंत में यही कहूँगी, आपकी बेटी की जहाँ आपको ज़रूरत हो, आपकी बेटी आपकी आवाज़ आपकी ताकत बनकर पूरे राजस्थान में आपके साथ खड़ी मिलेगी। एक बार आप आवाज़ देना कि यहाँ पर हमें तेरी ज़रूरत है बेटी, तो ये बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के ऊपर जो महापौर जी ने आपको जो बात बताई, पढ़ लिख कर बच्चे, पायलट साहब का एक सपना था, मैं भी सुनता था कि जब तक किसान का बेटा उन पदों पर नहीं जाएगा जहां देश की कानून क्रियान्वित होती हैं। बहुत बढ़िया बात बताई।